हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास सेकंड के लिए आज हम पढ़ेंगे यूजिंग अदर टूल्स, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 56 पे। ठीक है, तो यूजिंग अदर टूल्स क्या आते हैं, जैसे अदर यानी और भी ऐसे टूल्स होते हैं पेन के अंदर जो हम यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेट अस लर्न अबाउट सम अदर टूल्स, जैसे कि पेंसिल टूल्स यानी इरेजर टूल्स, इस तरह टेक्स्ट टूल्स, ये सारा। ठीक है, पेंसिल टूल, द पेंसिल टूल वर्क लाइक अ रियल पेंसिल। पेंसिल टूल जो काम करते हैं पेन के अंदर एक रियल पेंसिल की तरह। इट इज़ यूज टू ड्रॉ ऑन द ड्राइंग एरिया। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है ड्राइंग एरिया पे ड्रॉ करने के लिए। इरेजर टूल्स, जो भी वहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो जाते हैं तो उसको मिटाने के काम भी करते हैं, वो इरेजर टूल करते हैं। इरेजर टूल्स वर्क लाइक अ रियल इरेजर, ये भी एक रियल इरेजर की तरह ही यानी क्या करते हैं वहाँ पे चीज़ को मिटा देते हैं। व्हेन यू ड्रग द इरेजर ओवर द ड्राइंग के ऊपर आप ड्रग करोगे तो द पार्ट ऑफ द ड्राइंग गेट्स इरेजर, वहाँ से जो भी पार्ट्स आपको जिस पार्ट्स पर भी आपने ड्रग किया वो आपको वहाँ से इरेज हो जाएगा। टेक्स्ट टूल, द टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स ऑन द ड्राइंग एरिया। सेम टू सेम टेक्स्ट टूल जो है क्या होते हैं, यूज़ किया जाता है कुछ लिखने के लिए ड्राइंग एरिया पे। आप कुछ लिखना हो तो आप वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेट अस लर्न टू यूज दिस टूल, तो ये टूल्स यूज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लिक ऑन द लाइन टूल पे, लेफ्ट लाइन टूल पे क्लिक किया, वहाँ से ड्राइंग लेके आया। इसके बाद ड्रॉग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ अ हाउस, आपने माउस को वहाँ पर ड्रॉ किया, वहाँ पे एक हाउस बनाया। ठीक है, इस क्लिक ऑन द फिल विद कलर टूल्स, वहाँ से कुछ कलर्स ला के वहाँ पे कलर भी फिल किया आपने। इसके बाद क्लिक इनसाइड ईच क्लोज पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू कलर द हाउस, वहाँ पे हर यानी अंदर ड्राइंग के अंदर जो है आपने क्या क्या कलर फिल करके कलर फिल कर दिया। ठीक है, इसे क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल, इसके बाद टेक्स्ट टूल पर हमने क्लिक किया, फिर वहाँ से क्लिक ऑन कलर वन एंड देन चूज अ कलर फॉर द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को भी आपने कलर चूज किया, वहाँ से आप कलर लेके आया। ड्रॉग द माउस अ डॉटेड रेक्टेंगुलर इन फॉर्मेट, वहाँ पे एक डॉटेड क्या आते हैं रेक्टेंगुलर का पोर्शन आते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्ट्स वहाँ पे बन जाते हैं, वहाँ उसके अंदर आप लिख सकते हैं। जब आपके स्क्रीन पे ये आएगा तो आपका टेक्स्ट टूल आ गया। ठीक है, टाइप द टेक्स्ट इनसाइड द रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल के अंदर आपको एक लिखना है। फिर क्लिक ऑन द इरेजर टूल, फिर आप इरेजर टूल पे आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ड्रैग द माउस टू मूव द इरेजर ओवर द ड्राइंग टू इरेज टू पिक्चर, इरेज द पिक्चर। तो पिक्चर एरेज करने के लिए भी आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको रंग लगाना होता है। ठीक है, तो एरेजर को वहाँ पे लगाना होता है तो वहाँ पे एरेज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।